पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता कहें या फिर कुछ और, रेवाड़ी में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई ना किए जाने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते देर रात फिर बदमाशों ने शहर में जमकर कहर ढाया और होटल चलाने वाले एक युवक पर चाकुओं से हमला बोल दिया। हमले में जख्मी युवक को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया। हालांकि सिटी पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी भी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिटी पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया तथा तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। पूरा मामला दे उसको चक्कू मार दिया और जो है पहले सुतम पड़ा। किस तरह से ये घटना हुई? कुछ नहीं, बच्चों की जरा सी बात हुई थी। ये विकास वीर और मेरा कजन सोमदत्त जो है उसके घर पे उनको समझाने गए थे जी कि भाई आपस में, हम इतने दिनों से आपस में रहे, कभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई, तो वो इस तरह गाड़ी गलौज क्यों कर रहा है भतीजे से जी। उसके फादर ने उसको फ़ोन मिला, उसने गाड़ी गलौज करी उल्टा। इन्होंने कहा ना तू ऐसा ना कर, आपस की बात है। इतनी देर में ये वहाँ से कह के आ गए और वो पाँच चार आए और उतरते ही उसने विकास वीर पे हमला कर दिया। रोहित एक पांचवा आरोपी और है, उसका भी नाम क्लियर नहीं हुआ है। ये थ्रिल में बैठ के आए और इन्हें विकास वीर को आते ही और चाकुओं से धावा बोल दिया करण गुर्जर ने, जिससे वो घायल हो गया था और इस वक्त वो पुष्पांजलि में दाखिल है। इन चार आरोपियों को पकड़ लिया है, करण गुर्जर, उसके बाद लोकराम और रोहित और नितिश। सर कितने चाकुओं से हमला किया? इसने चार पांच वार किए हैं पेट में और जान पर। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं कहाँ के रहने वाले हैं? इनमें दो आरोपी तो ये एक आरोपी तो करण गुर्जर तो इनके मोहल्ले का है, बाकी दो आरोपी कतोपुर के पास वहाँ रहते हैं, वो कोली हैं और एक उसका भाई था अर्जुन और एक लोकराम खुद। जिस तरीके से बताया गया पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, तो क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई है? अब इनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं और इनके खिलाफ जो मुकदमा 148/49/452/25 का मुकदमा दर्ज किया। रेवाड़ी से जार टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।